हेलो दोस्तों, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग भाई। और आज हमारा लास्ट डे है गोवा में, एंड इस रिसोर्ट में भी अभी सुबह के कितने 9:30 हुए हैं, 10 होने वाले हैं, ठीक है? हाँ, 10 हो गए। और 10:30 तक ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। सबसे पहले तो चल के ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड प्लान तो मेरा भाई पूल में जाने का फिर से था। वहाँ पे देखते हैं, ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूल में जाएंगे, या पूल में पहले जाएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, ऐसा भी होता है, बताता हूँ मैं आपको। बाकी यार ये चेयर्स लगी हुई थी, इवनिंग में बहुत अच्छा लग रहा था भाई यहाँ पे, बट बैठ ही नहीं पाया मैं। मस्त था भाई, रिसोर्ट था तो मस्त, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, बीच एक्सेस फॉर होता। एंड ये था भाई हमारा रूम, जिसमें कि भाई अपन कच्चे सूखने डाल देते हैं देसी लोग। बाकी भाई ये पानी की बोतल वाली मस्त लगी यार मेरे को, देखने एकदम अच्छी लग रही है। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। बट भाई इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना यार ब्रेकफास्ट में, और सुबह सुबह भूख लगती नहीं है, बड़ा रिग्रेट होता है, क्योंकि लंच और डिनर के टाइम पे अगर ये चीज़ मिल जाए ना तो भाई पेट भर के खा ले इंसान। बट ठीक है, मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी फूड मुझसे खिलाता नहीं है सुबह। सो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं, और यूजली प्रेफर करता हूँ साउथ इंडियन, तो वो मेरे वो भी खा ले। बाकी यहाँ से व्यू भी ठीक ठाक ही है, एंड पूल सामने। तो दोस्तों मैंने कहा हुआ था आपसे कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पूल में नहाने जाएंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, एंड ये जो ट्रिप है यहीं पे एंड हो गई। उसके पीछे का रीज़न ये था, जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने होटल रूम में गया हुआ था, ठीक है? वहाँ जाके मैंने देखा फ़ोन पे मेरे दो कॉल आए हुए हैं, दो या इवन तीन मिस कॉल आए हुए हैं, एंड मम्मी का व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया हुआ था। इतने सुबह यूजुअली 9-10 बजे मेरे घर वाले फ़ोन नहीं करते हैं, तो मैं सडनली शॉक हो गया कि दो मम्मी के कॉल, एक पापा का कॉल, एंड इतने मतलब मेरे को कभी फ़ोन लगाते नहीं है इतना बार बार अगर मैं नहीं रिसीव कर रहा हूँ तो, एंड ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया। तो बट स्टिल मैंने सोचा हो सकता है बस चेक करने के लिए कॉल किया हो कि कर क्या रहा है आखिर वहाँ पे, एंड सुबह उठ गया है कि नहीं। तो मैं जस्ट रूम से मैंने लॉक किया फ़ोन लेके अपना, एंड पूल की तरफ निकल ही रहा था रूम लॉक करने के बाद, एंड रास्ते में जो है मैं अपना व्हाट्सएप खोल के रखा हुआ था मम्मी के मैसेज देखने के लिए, ठीक है? चलते चलते फ़ोन यूज़ कर रहा था, एंड उनका जो है वॉइस नोट आया हुआ था, एक लिखा नहीं था कुछ, वॉइस नोट आया हुआ था। सो मैं चलते चलते मैंने सुना, तो सुन के सडनली पहले तो शॉक हो गया, ठीक है? उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि माधव तुम जल्दी घर आ जाओ, दादी की तबीयत ख़राब नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ मन में कि ऐसा बोला हुआ, ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कोई बोल रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम घूमने गए हो, चीज़ छोड़ के आ जाओ, थोड़ा सा मन में आपके डाउट होता है कि क्या हुआ ऐसा ख़तरनाक जो इतने जल्दी बुला रहे हैं। बट स्टिल मैंने सोचा कि कॉल कर लेता हूँ, तब तक मैं उतना ज़्यादा बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था, शॉक नहीं हुआ था इतना ज़्यादा उस टाइम तक। फिर मैं वॉक करते करते इतने में पुल के यहाँ पहुँच ही गया था, तो मैं बैठ गया पहले वहाँ जाके, क्योंकि शॉक उतना ज़्यादा नहीं लगा था, बट स्टिल मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था एकदम से वो चीज़ सुन के। तो थोड़ा सा मैं बैठ गया कूल डाउन होने के लिए, एंड बैठने के बाद मैंने कॉल किया। फिर ये मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड लगे होंगे मुझे, क्योंकि रूम से पूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसके बाद बैठा हुआ पूल के बाजू में, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मेरे को घर की स्टोरी बताई, एंड मेरे भाई आंखों में से वही आंसू निकलने लगे पूल के पास में ही। तो फिर उठ के मैं वापस रूम में गया, ठीक है? मुझे बताया गया कि दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, एंड ये सुबह के टाइम हुआ, वो 6-7 बजे के अराउंड, एंड तभी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। फिर 4 घंटे हो गए, मतलब ये दादी की तबीयत ख़राब जो होनी स्टार्ट हुई थी सुबह 6 या 7 बजे, एंड मेरे पास 4-5 घंटे बाद फ़ोन आया हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 9:30-10:30 बजे के अराउंड। सो उन 5 घंटों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी, तभी उन्होंने इतना कॉल किया मुझे, नहीं तो ये चीज़ें स्टार्ट तो सुबह 6-7 बजे ही हो गई थी। फिर मुझे क्लियरली मैसेज मिल गया था बेसिकली कि तुम घर आ जाओ, चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। एंड मैं भाई होटल के रूम में गया, पहले तो बहुत रोया, मेरे आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं मुझसे, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं, बस सिर्फ आंसू निकलते जा रहे हैं, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था अपनी दादी के, एंड मेरी दादी मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी,
हर किसी की मानती हैं, बट इतने सारे बच्चों में बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था मुझे। जैसा भी है, फिर उसके बाद मैंने फ़्लाइट देखी कि आज के आज मैं पहुंच जाऊं घर अपने। बट जो भी मेरे नियरेस्ट एयरपोर्ट हैं वो 3 सिटी में हैं मेरे घर के पास जो हैं, एक तो जबलपुर एंड दूसरा भोपाल और तीसरा इंदौर। तो इंदौर के चांसेस थे मुझे फ़्लाइट मिल जाए डायरेक्ट, जबलपुर से तो कोई उम्मीद रहती नहीं है, और अगर भोपाल मिल जाता तो और बेस्ट रहता। मैंने दो तीनों जगह देखे, तीनों जगह की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। अगर मुझे भोपाल इंदौर भी मिल जाती तो मैं इवनिंग में वहाँ की ट्रेन लेके सेकेंड डे पहुँच जाता, एंड जबलपुर की अगर मिल जाती तो मैं उसी दिन भी पहुँच सकता था, बट नहीं मिली। फिर मैंने डायरेक्टली दिल्ली की फ़्लाइट बुक की, एंड वहाँ से पहले दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में मेरी सिस्टर थी, फिर मैंने उसे भी मना कर दिया था कि अब कल ही चलेंगे अपन, क्योंकि दिल्ली से भी एक दिन में पहुँच पाना घर में बहुत ही मुश्किल था। पहुँच जाते बट टाइम बहुत ज़्यादा लगता, एंड उतनी देर तक वेट नहीं करते मेरे घर वाले, क्योंकि चीज़ें कंडीशन वैसी नहीं थी वेट करवाने वाली। फिर देन उसके बाद मैं फ़्लाइट लेके इवनिंग में पहुंच गया था दिल्ली, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो है फिर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ, अपने घर पहुंचता हूँ, एंड काफ़ी दिन तक घर पे ही रहता हूँ। सारी चीज़ें करते हैं, जो भी लास्ट राइट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी पूजा वूजा वगैरह होती हैं वो सारी की, एंड व्लॉग वगैरह मैं नहीं एडिट कर पाया था उस टाइम पे, सो ये व्लॉग भी थोड़े से लेट आ रहे हैं। एंड बस यही था, वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रिप कंप्लीट ही होने को थी, एक दिन और मैक्स टू मैक्स मैं रुकता, उसके बाद तो वैसे भी निकलना ही था। बट जो भी है, काफ़ी दिन से मैं घर पे था, बट अभी लेकिन हॉस्टल में आ गया हूँ, एंड इवन फेयरवेल वीक भी स्टार्ट हो गया है। मेरा लास्ट सेमेस्टर था ये, मैंने अपना कॉलेज का लास्ट वर्किंग डे भी नहीं देखा क्योंकि मैं घर पे था उस टाइम पे, एंड इवन 3-4 इवेंट हो भी गए हैं, पूरा फेयरवेल वीक होने वाला है यहाँ पे भी, सो मन ही नहीं कर रहा वो सेलिब्रेट करने का। बाकी जो भी है, इस ट्रिप की हम सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ट्राई करेंगे फ्यूचर में और ऐसी ट्रिप करने का। बहुत अच्छा लगा था मुझे गोवा का। इसके पहले मैं माउंटेन्स पहले प्रेफर करता था ओवर बीचेस, बट आई विल से कि अब मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई मैं बीचेस पहले जाऊंगा, माउंटेन को मैं स्किप कर दूंगा। पता नहीं, बीचेस से अलग ही प्यार हो गया, अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस, इवन इतनी गर्मी थी उसके बाद भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है दादी वाले इंसिडेंट को हुए, तो थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा हूँ, फैमिली में भी थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, बट ठीक है, अब लाइफ है यार, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई आया है तो जाना तो होगा, बट ऐसे जाना एकदम से सडनली और आप लास्ट टाइम देख भी नहीं पाए तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। बाकी जो भी है, इस सीरीज़ को हम पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड दिस एंड फॉर लविंग दिस सीरीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।